हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम बुद्धिज़्म के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में, न केवल भारतीय इतिहास में अपितु विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन हुए, न केवल भारत में अपितु विश्व में। और भारत में इस समय जहाँ तक हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो दो नए धर्मों का उदय होता है, दो नए प्रमुख धर्मों का उदय होता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। हालांकि इस काल में हमें 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रोमिनेंट जो दो धर्म थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। दोनों ही समकालीन थे और दोनों का ही नेतृत्व है वो राज परिवार के महापुरुषों ने किया, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने। जहाँ तक हम बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और उन्होंने एक ऐसा धर्म दिया जो कि तत्कालीन धर्म से भिन्न था, और वह न केवल उस समय प्रासंगिक था अपितु आज भी और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। बौद्ध धर्म एक प्रकार से व्यवहारिक धर्म कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल धर्म है। बौद्ध धर्म तार्किकता पर आधारित धर्म है, जिसने तर्क को महत्व दिया, बुद्धि और चिंतन को महत्व दिया, श्रद्धा के स्थान पे अंधभक्ति के स्थान पे उन्होंने लॉजिक को, बुद्धि को महत्व दिया। और महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि आप तब तक किसी बात को स्वीकार न करें जब तक कि आप उसे बुद्धि की कसौटी पर न कस लें। तो इस अर्थ में बौद्ध धर्म अपने आप में तत्कालीन धर्म से भिन्न था, क्योंकि जहां वेदों को ईश्वरीय वचन मान करके अंधश्रद्धा के रूप में देखा जाता था, वहीं बुद्धिज्म ने, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप अनुभव के आधार पे, समझ के आधार पे किसी चीज़ को समझें और उसके बाद में तर्क की कसौटी पे कस के उसके बाद में उस किसी बात को स्वीकार करें। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक तरह से तार्किक धर्म था। बौद्ध धर्म एक प्रकार से वैज्ञानिक धर्म हम भी कह सकते हैं, साइंटिफिक धर्म हम कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध अपने आप में दार्शनिक नहीं थे, अपितु वे एक रिफॉर्मर, हम इनको कह सकते हैं एक रिफॉर्मर थे, क्योंकि तत्कालीन जो धर्म है उसके प्रति लोगों, तत्कालीन जो उस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, उस तत्कालीन समय में जो तत्कालीन जो धर्म था वो एक प्रकार से काफ़ी लोगों में एक असंतोष का कारण बना हुआ था। तो वास्तव में जो महात्मा बुद्ध हैं वो उस तत्कालीन व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, लेकिन जब तत्कालीन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में एक नए धर्म का उदय हुआ जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं। तो बौद्ध धर्म है, मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध दार्शनिक नहीं थे, अभी तो एक समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर थे। वो इस सेंस में रिफॉर्मर थे क्योंकि उन्होंने जो दार्शनिक धर्म के जो दार्शनिक पक्ष है उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया, जैसे ईश्वर और आत्मा के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस चीज़ों पर ज़्यादा महत्व दिया जो व्यक्ति की प्रमुख समस्या थी। उनका मानना था कि महात्मा बुद्ध संसार के अंदर एक अतुलनीय महापुरुष माने जाते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये बताया कि एक प्रकार से जो 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 ईश्वर के विषय के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इस वो मौन रहे। एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं विश्व में जो सबसे ज़्यादा मौन रहे और सबसे ज़्यादा उन्होंने किसी विषय पर बोला, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के विषय में ज़्यादा चर्चा करने से ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, अपितु उन्होंने उन विषयों पर ज़्यादा बल दिया जो कि
मनुष्य के डे टू डे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण थे। अर्थात बौद्ध धर्म को हम प्रैक्टिकल धर्म कह सकते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का मानना था कि मनुष्य की मेन समस्या क्या है, उन्होंने उस पर इम्फेसिस दिया और काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य की जो मेन समस्या है वो दुख है। अर्थात इस संसार का प्रत्येक प्राणी है वो दुखी है और इस दुख का कारण भी है और इस दुख का निदान भी है। तो उन्होंने इन तीन चीज़ों पे जो 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 महात्मा बुद्ध ने जो मनुष्य की जो मेन समस्या है जो दुख है उस पर इम्फेसिस दिया और उस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है और जीवन की सत्यता क्या है, जन्म सत्य क्या है, उस सत्यता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाई जा सकती है, उस पर उन्होंने बल दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म है वो एक व्यवहारिक धर्म था। वो एक तरह से डॉक्टर थे जो न केवल बीमारी बता रहे थे अपितु उस बीमारी का इलाज भी है वो लोगों को बताया। इस महान पुरुष का जो जन्म है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में जो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ, जो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। तो लुम्बिनी है जो नेपाल की तराई में स्थित है और इस इन इनके जन्म की पुष्टि है वो अशोक की रुमंदेई अभिलेख के अंदर होती है, क्योंकि अशोक है वो ये कहता है इस अभिलेख में कि लुम्बिनी है वो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण से यहाँ के लोगों का धार्मिक कर माफ़ कर दिया और भूराजस्व कर 1/6 से 1/8 कर दिया। इसका मतलब जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के प्रति या शाक्य मुनि के प्रति आस्था रखते थे। तो हम कह सकते हैं कि 563 ईसा पूर्व के अंदर है श्रीलंका की जो बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ था अभिलाषा। अर्थात इनके पिता जो शुद्धोदन थे, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, वो उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी और उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। काफ़ी समय बाद है वृद्धावस्था के अंदर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए इन्होंने इनका नाम सिद्धार्थ रखा। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोल्य गणराज्य की से संबंधित थी। तो बौद्ध सूत्रों के अनुसार ये उल्लेख मिलता है कि 563 ईसा पूर्व में महामाया अपने मायके जा रही थी और वहीं कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे है वो वैशाखी पूर्णिमा के दिन है वो सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया है उसका निधन हो जाता है और ऐसी स्थिति में इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिसे बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी होने का गौरव भी प्राप्त है। बुद्ध के सिद्धार्थ के बचपन के समय में ऐसा कहा जाता है कि कालदेवल और कौंडिन्य नामक ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या भिक्षु बनेगा। तो इस भविष्यवाणी इन ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी ने जो शुद्धोदन है उसको चिंता में डाल दिया और ऐसी स्थिति के अंदर शुद्धोदन ने कुछ ऐसा कार्य किया सिद्धार्थ के लिए जिससे कि उसका मन है वो संसार में लगा रहे और वो भिक्षु न बने। उसके लिए उस तत्कालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप है वो सभी सुख सुविधाएं हैं वो जुटा दी गई, भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार अच्छे महल बना दिए गए जिससे कि और कोई भी ऐसी चीज़ उसके आसपास नहीं रहने दी जिससे कि उसको इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो। और लेकिन इसके बावजूद भी जब महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का मन है वो सांसारिक वस्तुओं के में नहीं लगा, अर्थात वो चिंतनशील रहते थे, एकांत में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में 16 वर्ष की आयु के अंदर जो शुद्धोदन है उनके पिता उन्होंने रामग्राम के कोली गंडा जी की एक सुंदर राजकुमारी से जिसका नाम यशोधरा था
उससे सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का मन है वो नहीं लगा, लेकिन माता पिता की श्रद्धा के प्रति श्रद्धा के कारण लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। और इसके बाद उनको राहुल नामक एक पुत्र हुआ, जिसका समाचार सुनकर उन्होंने कहा कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है। अर्थात अपने उस पुत्र का नाम राहुल रखा था बंधन, कि वो बंधन में और बंध गए हैं। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध है वो प्रारंभ से ही है वो एक चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। अब इसके पिता के द्वारा हर प्रकार की है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन उसके बावजूद भी होने को कोई टाल नहीं सकता। और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए महात्मा बुद्ध है वो जा रहे थे अपने सारथी के साथ। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 4 घटनाएं देखी और उन घटनाओं से प्रभावित होकर के उन्होंने गृह त्याग कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध पुरुष देखा, और जब वृद्ध पुरुष उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको ये पता नहीं था कि ये क्योंकि वृद्ध पुरुष इससे पहले उसने उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो जब सारथी ने उसका इसका जवाब पूछा तो सारथी ने कहा कि हर व्यक्ति है वो बूढ़ा होता है और वृद्ध होने पर उसकी स्थिति है वो इस प्रकार से हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध के मन में ये प्रश्न उठा कि वृद्धावस्था से कोई व्यक्ति है वो टल नहीं सकता, एक दिन हर व्यक्ति को है वो देर सवेरे वो बूढ़ा होना पड़ेगा। जब आगे चले तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक दुखी रोगी बीमार व्यक्ति को देखा, वो दर्द से कर रहा था। तब उसके विषय में पूछा तो ये बताया गया कि रोग से भी कोई व्यक्ति वो बच नहीं सकता, गरीब अमीर किसी भी व्यक्ति को है वो रोग हो सकता है। तीसरा तो उन्होंने सोचा कि उनके मन में ये विचार आया कि दुख रोग से भी कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। तीसरा उन्होंने जो दृश्य देखा वो मृतक शरीर का था, डेड बॉडी ले जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जब पूछा तो उनको पता उनके दिमाग में आया, उनके मस्तिष्क में आया कि एक मृत्यु से भी कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। तो वृद्धावस्था है जो रोग है और मृत्यु है उससे कोई बच नहीं सकता, ये विचार जब उनके मन में आया। तो चौथा दृश्य है बौद्ध ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो गिरवी व्यवस्था धारण कर रखा था और एक प्रकार से वो एक प्रसन्न नज़र आ रहा था। तो उन्होंने उसी समय उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि वो सन्यासी बनेंगे और जीवन के सत्य है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपनी जो पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को नर्तकियों के बीच में छोड़कर के सत्य की खोज के लिए खंतक पर सवार होकर के जो घोड़ा था उसको उस पर सवार होकर के है वो 29 वर्ष की अवस्था के अंदर है वो महान सत्य की खोज के लिए है अपने घर से वो प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस घटना को बौद्ध धर्म में है वो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है कि महान सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा या सिद्धार्थ जिसको कहा अभी तक जो सिद्धार्थ थे तो महान सत्य की खोज के लिए घर से प्रस्थान करना है वो महाविनिष्क्रमण है उसको कहा जाता है। तो जब गृह त्याग कर दिया और सत्य की खोज के लिए निकल पड़े तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में उन्होंने बहुत से विद्वानों से वो विद्वानों से मिले और सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्ति के बारे में उन्होंने जाना, आलाल कालाम उद्रक रामपुत्र जैसे भिक्षुओं से मिले। लेकिन बहुत से विद्वानों से मिलने के साथ भी उनको तृप्ति नहीं हुई और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने घोर तपस्या करने का निर्णय लिया और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा के दिन जो उरुवेला नामक वृक्ष जो पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे उन्होंने घोर तपस्या की और उन्हें 35 वर्ष की अवस्था के अंदर है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सत्य को जान लिया, वो सत्य क्या था, 3 सार्वभौम सत्य है वो महात्मा बुद्ध वो बताते हैं कि जो इस संसार के अंदर हर वस्तुएं हैं वो मौजूद हैं,
उनका रूप बदलता रहता है, एनर्जी है वो परिवर्तित होती रहती है। कोई दूसरा सत्य ये था कि हर चीज़ है वो परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ है वो स्थायी नहीं है, हर चीज़ है वो परिवर्तनशील है। तो महात्मा बुद्ध ने जब इस सत्य को जान लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर है महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ है वो बुद्ध बन गए, और गया नामक स्थान है वो बोध गया हो गया, और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध को जो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ उसको निर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। अर्थात निर्वाण का मतलब महान सत्य को जानना। तो महान सत्य की प्राप्ति है उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में हुई, और इसके पश्चात उन्होंने चिंतन मनन किया कि ये जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका संदेश है वो लोगों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन बाद में उनके दिमाग में विचार आया कि उनको ये संदेश है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए, उनको तब तक है वो बुद्धत्व को प्राप्त को स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि है वो दूसरों को है वो इस योग्य ये मार्ग ने बता दें। तो उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ के अंदर उन 5 भिक्षुओं को दिया जो कि उनका साथ छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने महाप्रजावती जो सुजाता नामक जो कन्या उनसे प्रवज्या ग्रहण कर ली थी। तो ऐसी स्थिति में भिक्षुओं ने समझा कि ये भ्रष्ट हो चुका है और वो उनका साथ छोड़ करके चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सर्वप्रथम उन 5 भिक्षुओं को संदेश दिया जो उनका साथ छोड़ करके चले गए थे, और बौद्ध इतिहास में जो सारनाथ में जो बनारस के निकट है दिया गया जो प्रथम उपदेश है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना वो निर्वाण, और प्रथम उपदेश देने की घटना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन है, वो बौद्ध ग्रंथ बौद्ध साहित्य में कहलाती है। तो प्रथम उपदेश उसके पश्चात उन्होंने स्थान स्थान पर है वो अपना उपदेश दिया, अपना संदेश दिया, और मृत्यु पर्यंत है वो अपने जो ज्ञान है उसका प्रचार है वो प्रचार प्रसार है वो करते रहे। अंत में 463 ईसा पूर्व में मलगंडा जी की राजधानी जो कुशीनारा या कुशीनगर है उसमें 80 वर्ष की अवस्था के अंदर है वो महात्मा बुद्ध है, उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण है वो कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो महात्मा जो बुद्ध है कि जो प्रारंभिक जीवनी के विषय में हमने देखा कि महात्मा बुद्ध है वो जो मेटाफिजिक्स है उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि मेटाफिजिक्स के प्रश्नों पर दिलचस्पी लेना है वो कोई बुद्धिमता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध है वो तत्वशास्त्रीय प्रश्नों का व्यवहारिक जो महत्व है वो नहीं मानते थे। तो बुद्ध महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, और बुद्ध ने दर्शन का उद्देश्य दुख का अंत कहा, और इसलिए बुद्ध ने दुख की समस्या और दुख के निरोध पर अधिक जोर दिया, और उनके अनुसार दुख से ग्रसित व्यक्ति को दर्शन शास्त्रीय प्रश्नों पर में उन्हें उलझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जैसे महात्मा बुद्ध ने उस समय का उदाहरण लेते हुए कहा कि जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बाण से आहत होकर के किसी के पास पहुंचता है तब उसका प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि बाण को उसके शरीर से निकाल करके उसकी सेवा शुश्रूषा है वो करनी चाहिए, न कि ऐसा करने के बजाय इन प्रश्नों पर कि तीर कैसा है, तीर किसने मारा, कितनी दूरी से मारा, क्यों मारा गया, तीर मारने वाले का रंग रूप कैसा था, इस पर विचार करना मूर्खता है। उसी प्रकार दुख से पीड़ित व्यक्ति के लिए है यदि आत्मा जगत ईश्वर जैसे प्रश्नों पर यदि विचार किया जाता है तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वो निरर्थक कहा जा सकता है। अतः उन्होंने इन तत्वशास्त्रीय जो प्रश्नों पर विचार न करके विचार नहीं किया, और उन प्रश्नों के विषय पे यदि बुद्ध के साथी जब प्रश्न पूछते थे तो वो मौन रहते थे, इसको अव्यक्ता नहीं कहा जाता है। मौन रहने का मतलब ये नहीं था कि वो उन प्रश्नों को जानते नहीं थे, उनका उत्तर नहीं जानते थे, लेकिन उन प्रश्नों में उलझना है वो कोई बुद्धिमानी नहीं थी।
तो महात्मा बुद्ध इन प्रश्नों पर मौन रहे, ईश्वर के संबंध में उन्होंने मौन धारण के विषय में कहने पर उन्होंने मौन धारण किया, जबकि उपनिषदों ने है वो ऐसा नहीं किया। उपनिषदों ने सप्रपंच पर निष्प्रपंच बन की अवधारणा या निराकार ब्रह्म की अवधारणा तक है वो अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन उपनिषदों के विरुद्ध है वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो उदय है उसका जो प्रमुख कारण है हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ उसके लिए उत्तरदायी थी। उस समय एक और जहाँ वेदवाद देववाद और जो यज्ञवाद है उस पर बल दिया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वेदवाद था उसके अंतर्गत है वो लोग है वो जो सविवेक और बुद्धि के स्थान पर है वो अंधश्रद्धा को महत्व दे रहे थे, जबकि महात्मा बुद्ध ने कहा जैसे कि मनुष्य का जो विवेक है वो एक तरह से ख़त्म हो रहा था, तार्किक चिंतन है वो ख़त्म हो रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को इसलिए स्वीकार नहीं करो कि वो कह रहे हैं, अपितु उसको बुद्धि की कसौटी पर अनुभव की कसौटी पर कसें उसके बाद स्वीकार करें। तो अंदर श्रद्धा है जो वेदवाद है उसके भी विरोधी थे। दूसरी ओर जो वैदिक धर्म है उसके अंतर्गत है वो जो 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 आर्य थे वो सब देवताओं से है, वो जो किसी भी चीज़ की भीख मांग रहे थे और उनका मानना था कि देवता उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर देंगे, तो इसलिए वो एक क्रम से दूर जा रहे थे। जबकि जो महात्मा बुद्ध उन्होंने ये संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति है अपने कर्म के द्वारा है वो कुछ भी चीज़ है वो प्राप्त कर सकता है, तो कर्म की विमुखता एक तरह से हो रही थी, तो उन्होंने कर्म की विमुखता के स्थान पर है लोगों को कर्म की ओर है वो अग्रसित होने के लिए प्रेरित किया। तीसरा क्या है कि उस समय यज्ञवाद था, धार्मिक कर्मकांड है वो बढ़ गए थे, यज्ञ हिंसक हो गए थे उपनिषद काल में हमने देखा, और हर व्यक्ति ईश्वर प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ है वो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर है आम जनता है वो इन यज्ञों का संपादन करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर है आम जनता को है विरक्ति से वापस आसक्ति की ओर लाए जाए इसके लिए उन्होंने यज्ञवाद है उसका विरोध किया। तो उस समय की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो भी इसके लिए उत्तरदायी हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो उत्तर वैदिक काल के अंदर है जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म मूलक हो गई थी, और ब्राह्मण क्षत्रिय और जो जो वैश्य और शूद्र जो चार वर्णों के अंदर जो विभाजित था उसका आधार जन्म हो गया था, और ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण इसमें ब्राह्मणिज्म है वो सोशल स्टेटस में प्रथम स्थान पे था, और क्षत्रिय द्वितीय स्थान पे था और वैश्य तृतीय स्थान पे था। तो ऐसी स्थिति में जो क्षत्रिय ने ब्राह्मण की जो विशेषाधिकार है उसको चुनौती दी, और इसमें साथ उनका वैश्य वर्ग ने दिया, क्योंकि वैश्य वर्ग है जो तत्कालीन जो व्यवस्था थी धार्मिक व्यवस्था उनके खिलाफ थी, क्योंकि शूद्र रहना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता था, जबकि महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई व्यवस्था के अंदर शूद्र लिया जा सकता था। तो वैश्य वर्ग ने भी इस धर्म के विकास में है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय की आर्थिक जो पृष्ठभूमि है वो भी उस समय बौद्ध धर्म के उदय के लिए है वो काफ़ी उत्तरदायी मानी जा सकती है, क्योंकि उस समय एक और नगरीकरण का उदय हो रहा था और जो जो कबायली अर्थव्यवस्था है उसके स्थान पर कृषि मूलक अर्थव्यवस्था है उसका उस कबायली अर्थव्यवस्था कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से कृषि के लिए है वो बैल है वो महत्वपूर्ण था, जबकि जो वैदिक धर्म है उसके अंतर्गत बैल 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 की है वो बलि दी जा रही थी। तो जो 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 बौद्ध धर्म है उन्होंने इसका है वो विरोध किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर और दूसरी ओर जो उस समय जो सिक्कों का जो प्रचलन हो गया था, नगरीकरण बढ़ रहा था, तो भोग विलासिता बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो एक सामाजिक और राजनीतिक जो राजनीतिक और आर्थिक जो परिवर्तन हो रहे थे उस आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन में जो बौद्ध धर्म है उनका जो एक महत्वपूर्ण योगदान था, तो उन्होंने एक तरह से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है उस पर प्रहार किया, और एक तरह से जो 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 एक तरह से जो नई जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी एक एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत किया। तो इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है वो हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित जो धर्म है
जो एक सुधार के लिए, हिंदू धर्म में सुधार के लिए, हिंदू धर्म की सामाजिक जो उस समय की तत्कालीन जो वैदिक काल की जो सामाजिक राजनीतिक जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी हद तक है इन नए धर्मों के लिए धर्म के उदय के लिए वो उत्तरदायी थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर है बौद्ध धर्म के प्रमुख जो शिक्षाएं क्या थी, बौद्ध धर्म के प्रमुख जो दार्शनिक सिद्धांत क्या थे और बौद्ध धर्म का क्या योगदान था संस्कृति के अंदर, सांस्कृतिक विकास के अंदर बौद्ध धर्म का क्या योगदान था, उसकी हम चर्चा है वो नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।